जय श्री राम। आज बात करते हैं कि शुक्र यदि तीसरे भाव में आपकी कुंडली के बैठा है तो उसका क्या फल हो सकता है। इस वीडियो में ये बताया जाने वाला है कि शुक्र अलग अलग राशियों में, मैं यूं कहूं अलग अलग अवस्थाओं में, तीसरे भाव में बैठ के किस तरह से अपने परिणामों को परिवर्तित करता है। देखिए, शुक्र तीसरे भाव में हो तो एक जनरल जो थिंकिंग है वो ये है कि तीसरा भाव आपकी हॉबीज का है और वहां वीनस का बैठना ये दिखाता है कि आपको ऐसे काम पसंद आएंगे, जैसे संगीत सुनना हुआ या फाइन आर्ट से संबंध हुआ, वहां पे आपकी रुचि रहेगी। दूसरा, तीसरा भाव पराक्रम का है, वहां पे शुक्र का होना कोई बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं माना गया करेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तीसरे भाव में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं। शुभ ग्रह आपको संयमी बनाते हैं, या यूं कहूं कि वहां पर आप पराक्रम बोल्ड बिहेवियर नहीं दिखाते। तीसरे भाव में बैठा शुक्र छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा है और उनके जीवन में दर्शाता है कि विलासिता और भोग रहेंगे। और शुक्र यदि तीसरे भाव में हो और उसका संबंध लगन लग्नेश से ना हो तो ये आपके पत्रिका में या आपके लिए भोग विलास से विरक्ति को दर्शाता है। तीसरा भाव काम त्रिकोण का पहला भाव है तो हमारी बेसिक नीड में कहीं ना कहीं वीनस इन्वॉल्व हो जाता है। अब बात करते हैं ऋषि कश्यप ने इसके बारे में क्या कहा है। श्लोक कुछ इस प्रकार से है, पतितः श्मेष जीवी च ततः कलह वल्लभा वंच को नीच कुलजो निशंसो भंड एवच दुष्ट आचरणों अथ सबल कृतघ्नो क्रीडनस्तथा शिल्पज्ञ स्वजन त्यक्त शुक्रे सहज गे सखा। इसके अनुसार यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव में उच्च का शुक्र विराजित है, अर्थात आपका मकर लगन है और तीसरे भाव में मीन राशि का शुक्र है, तो बताया गया कि जातक को अपने चरित्र का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उसके कैरेक्टर पर डाउट संशय प्रकट किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वो राजा पर आश्रित होता है। अब जैसे हम जानते हैं कि भारत में राजा तो रहे नहीं है, तो जो भी घर का मुखिया है उस पर आश्रित दर्शाता है। एक होता है खुद घर का मुखिया ना बनकर कोई लीड कर रहा है और मैं उसके साथ लगा हुआ। तो यदि तीसरे भाव में उच्च का शुक्र विराजित है तो कश्यप ऋषि अनुसार ऐसा व्यक्ति का कैरेक्टर ठीक नहीं होता है, या यूं कहें कि उसे अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि वो परिवार का मुखिया ना होकर सेकंड लीड में होता है, उस पर आश्रित होता है। वही यदि ये उच्च नवांश का हो, यानी नवांश कुंडली में शुक्र मीन का बैठा है और कुंडली में किसी भी राशि का तीसरे भाव में बैठा है, तो बताया गया ये दूसरों के झगड़ों से लाभ कमाता है, दूसरे की प्रॉब्लम से इनको फायदा होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है दो व्यक्तियों की लड़ाई में तीसरे को लाभ हो जाता है, ये कुछ उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जब यदि उच्च का नवांश में उच्च का शुक्र जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठे तो वो इस प्रकार का फल देता है। अब यदि तीसरे भाव में बैठा शुक्र वर्गों में, शुभ वर्गों में चला जाए, यानी कि वर्ग कुंडली में वो गुरु के घर में, बुध के घर में, शुक्र के घर में या चंद्रमा के घरों में ही बैठा हो अधिकतर में, तो कहा गया है ऐसा व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों का इस्तेमाल करना जानता है। वो जानता है किसी व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, मार्केटिंग में ऐसे बंदे बड़े अच्छे होते होंगे, कोई ऐसी टीम लीड करना जिसके अंदर आपको लोगों से उनके पोटेंशियल को निकलवाना है अपने लाभ के लिए। तो तीसरे भाव में बैठा शुक्र यदि शुभ वर्गों में हो तो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाना जानता है। नीच राशि का शुक्र यदि कुंडली में तीसरे भाव में हो, यानी कि आपका कर्क लगन हो और तीसरे भाव में शुक्र विराजित हो, ऐसी स्थिति में बताया गया है कि जिस परिवार में आपका जन्म होता है वहां समृद्धि नहीं होती और धीरे धीरे करके वो व्यक्ति उस चीज को अचीव करता है। यूं कहूं कि एक ऐसे परिवार में जन्म होता है जो इतना रिसोर्सफुल नहीं होता, संसाधन ज्यादा नहीं होते, और व्यक्ति अपनी मेहनत से उसको अचीव करने का प्रयास करता है। नीच नवांश में गया हुआ शुक्र यदि कुंडली के तीसरे भाव में आ जाए
तो बोला गया कि ऐसा व्यक्ति कठोर होता है। निशंस एक शब्द आता है, निष्ठुर बोला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति कठोर होते हैं, जो निर्णय लेना है वो लेना है, दूसरे वाले की सुन जरूर लेंगे लेकिन उसको मानना वो मुश्किल है। पाप वर्गों में यदि शुक्र तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव में बैठा शुक्र यदि वर्ग कुंडलियों में मंगल की राशि में, शनि की राशि में या सूर्य की राशि में गया हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है ऐसा व्यक्ति दूसरे की नकल बहुत अच्छे से उतारता है। सामने आप बैठे हैं तो आपका बड़ा आदर सम्मान हो रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं कि ये व्यक्ति तो मेरी बड़ी आवभगत कर रहा है। जैसे ही आप दरवाजे से बाहर निकले वैसे ही उस व्यक्ति के बारे में मजाक उड़ाना शुरू। तो तीसरे भाव में यदि शुक्र हो और वो वर्ग कुंडलियों में क्रूर ग्रहों के वर्गों में हो, तो व्यक्ति को अच्छा मजाक करना या मजाक उड़ाना आता है। फर्क होता है वैसे मजाक करने में और मजाक उड़ाने में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में वो उसकी मिमिक अच्छा कर सकता है, उसका मजाक उड़ा सकता है। एक शब्द आता है भांड, जिसको हम कहते हैं भांड या नट करके एक शब्द आया करता है, शास्त्रों में लिखा होता है, जिसका मतलब होता है मजाक करने वाला, मजाक उड़ाने वाला। तो तीसरे भाव में बैठा शुक्र यदि पाप वर्गों में हो तो वो भांड होता है। इसके बाद मित्र राशि का शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो व्रत और नियम को पालन करने वाला होता है, डिसिप्लिन फॉलो करने में उसको आसानी होती है कंपेयर टू अदर्स। तीसरे भाव में बैठा शुक्र व्रत और नियमों को कठोरता से पालन करने की शक्ति देता है। वर्गोत्तम शुक्र यदि आपका तीसरे भाव में है तो भैया जिन लोगों ने आपके लिए कुछ किया है, कभी भी आपकी हेल्प की हो, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि इस श्लोक के अनुसार तीसरे भाव में बैठा वर्गोत्तम शुक्र व्यक्ति को कृतज्ञ बनाता है। कृतज्ञ का अर्थ होता है जिसने आपकी मदद करी हो आप उसको इग्नोर कर दें या आपको उसकी मदद नजर ना आए। तो प्रयास कीजिएगा कि जब जिस व्यक्ति ने भी आपकी हेल्प की हो उसको कुछ ना कुछ अपने एंड से उसके साथ कनेक्टेड रहें, उसकी हेल्प करते रहें या उसके उसको इस बात के लिए कृतज्ञता दिखाते रहें कि हाँ आपकी वजह से मेरा काम हुआ, तो ये अच्छा माना जाएगा। शत्रु राशि का शुक्र यदि तीसरे भाव में है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति खेल खेलने में अच्छा होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छा होता है। और शुक्र किस तरह के स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ये बड़ा एक क्वेश्चन आता है कई बार कि सर बच्चे को किस खेल में डालें। पहले तो खेलों की दो मेजर क्लासिफिकेशन है, एक है आउटडोर गेम्स, एक है इंडोर गेम्स, राइट। तो आउटडोर इंडोर में पहले सेलेक्ट करने के लिए हमें देखना होता है कि कितना शारीरिक श्रम उसकी कुंडली में लिखा है। उसके बाद और बारीकी से देखें तो हमें देखना होता है बौद्धिक खेल या फिर शारीरिक खेल। जैसे दौड़ है, दौड़ मुख्यतः शारीरिक क्षमता पर आधारित है, उसमें कोई स्किल की रिक्वायरमेंट शायद उतनी नहीं होती जितना बाकी खेलों में है। वहीं पर अगर हम बात करें क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसके अंदर शारीरिक श्रम के साथ साथ आपकी स्किल भी मैटर करती है। तो हमें ये देखना होता है कि उसकी कुंडली में किस तरह के ग्रह बली है, उसका संबंध तीसरे भाव से कैसे आ रहा है, उसके आधार पर हम खेलों का चयन करते हैं। स्विमिंग एक ऐसी गेम है जिसके अंदर शारीरिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तो खैर शुक्र यदि तीसरे भाव में शत्रु राशि का हो तो बताया गया कि वह व्यक्ति खेल खेलने में अच्छा होता है। वहीं यदि शुक्र शत्रु नवांश में हो और ऐसा शुक्र और जन्म कुंडली में तीसरे भाव में हो तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति शिल्पज्ञ होता है। शिल्पज्ञ होता है अर्थात क्राफ्ट की नॉलेज होती है, उसको क्राफ्टी होता है, तो ये कला का ज्ञान होता है, आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो तीसरे भाव में बैठा शुक्र यदि शत्रु नवांश में है तो उसका फल ये बताया गया। अब यदि वह स्वराशि का कुंडली में तीसरे भाव में बैठा, यानी कि आपका लगन सिंह है या आपका लगन मीन है और तीसरे भाव में वृषभ या तुला का शुक्र है, तो इस श्लोक के अनुसार व्यक्ति सजनों से दूर रहता है या उसके जो अपने होते हैं वो उसकी उतनी हेल्प नहीं कर पाते जितने की बाहर वाले उसकी हेल्प करते हैं। स्वजन त्यक्त एक शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अपनों का, अपनों से के द्वारा त्यागा जाना या अपनों का त्याग करना। तो कहीं ना कहीं अपनों से ज्यादा बाहर वाले ऐसे लोगों की अधिक मदद करते हैं। आइए अब इन नियमों को कुंडलियों के आधार पर समझे कि हम इन्हें कुंडलियों पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं।
ये पत्रिका है 4 नवंबर 1974 की, जन्म समय है 1:25 और जन्म स्थान है नई दिल्ली। अब इस पत्रिका में यदि हम ध्यान दें तो तीसरे भाव में शुक्र बैठा है, अर्थात वो जो नियम या जो श्लोक हमने पढ़ा वो इस कुंडली पर हम अप्लाई करके देख सकते हैं। तीसरे भाव में यहाँ तुला राशि का शुक्र है, अर्थात स्वयं की राशि में, स्वराशि का। उसके बारे में श्लोक अनुसार ये लिखा था कि ऐसे लोगों को ये लोग स्वजन त्यक्त होते हैं, अपनों से दूर रहना पड़ता है, अपनों से लाभ नहीं मिलता है। ये जातक दिल्ली में पैदा होकर फिलहाल अमेरिका में परिवार के साथ सेटल्ड है, अपने परिवार के साथ, माता पिता और बाकी रिलेटिव भारत में ही है। तो ये जो स्वजन से त्यक्त होने का योग है वो इस पत्रिका में लगता है। दूसरा, इस अगर हम शुक्र की डिग्री पर ध्यान दें तो वो 16:45 पर है, अर्थात मीन नवांश में जाएगा। अब मीन नवांश में शुक्र जो है वो उच्च का हो जाता है, और इसके बारे में शास्त्रों का मत है कि यदि उच्च नवांश का शुक्र आपकी कुंडली में तीसरे भाव में बैठा हो तो वह कलह प्रिय बनाता है या दूसरों के झगड़े से लाभ होता है, और वो चीज इस पर अप्लाई होनी चाहिए कि तीसरे भाव। इसका अर्थ ये हुआ कि जब जब किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा होगा तो मुझे वहां से लाभ अर्जित होगा, वो संभावना इस कुंडली में प्रबल है। और अगर मैं वर्गों में इसकी स्थिति देखूं कि विभिन्न वर्गों में इसकी क्या स्थिति है, तो षड वर्गों में जो 6 वर्ग होते हैं, जन्म कुंडली, होरा, देशकांड, नवांश, द्वादांश और दशांश, उनमें से 4 वर्गों में ये शुभ में गया है और 2 वर्गों में क्रूर वर्ग में गया है। अब ऐसी स्थिति में 4-2 रेशों में कहना तो शुभ वर्ग ही चाहिए क्योंकि 4 ज्यादा है नंबर वाइज, लेकिन फिर भी ये 4-2 या 3-3 आना, नेक टू नेक कंपटीशन होना कि 3 में क्रूर में गया है, 3 में शुभ में गया है, वो थोड़ा वहां पे ना फलित करते समय थोड़ा डाइसी हो जाता है, क्योंकि लगता है कि वो अप्लाई होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि कहीं 3 वर्ग एक जैसे ही इशारा कर रहे हैं और बाकी 3 वर्ग एक तरफ, तो वो हमें देखना होता है। तो यहाँ 4-2 का रहा, ऐसे स्थिति में हम इसको शुभ वर्गों वाली, अगर स्टेटमेंट में आपने जैसे देखा भी है कि जातक दूसरों से काम निकलवाने में एक्सपर्ट होता है, नियम इस पर अप्लाई होता है, इस पर लागू होता है कि दूसरों से के द्वारा कैसे काम निकाला जाता है वो इस जातक को अच्छे से आता है, और यही कारण है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में बहुत उन्नत अवस्था में है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। तो जब हम कभी भी शुक्र की पोजीशन देखेंगे तो इन वर्गों में, इन अवस्थाओं पर हमें देखना चाहिए। आइए एक और कुंडली देखते हैं। ये पत्रिका है 4 जुलाई 1999 की, और जन्म समय है 6:27 और इनका जन्म स्थान फरीदाबाद है, हरियाणा। यहाँ शुक्र सिंह राशि का है जो कि शत्रु राशि है, और शत्रु राशि का शुक्र यदि तीसरे भाव में हो तो श्लोक के अनुसार व्यक्ति खेल और खेल जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और ये बच्चा स्कूल लेवल पर अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, पर्टिकुलरली स्विमिंग में बहुत अच्छा है। उसके अलावा इस कुंडली में यदि मैं इसकी वर्गों में स्थिति पर भी ध्यान दूं तो वर्गों में ये मुख्यतः सूर्य के या मंगल के वर्ग में गया, और सूर्य और मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो क्रूर वर्गों में जाने का फल जो कश्यप ऋषि ने कहा है वो बताया है कि व्यक्ति भांड होता है या एक अच्छा कॉमेडियन, एक अच्छा नकलची होता है। अगर व्यक्ति ड्रामेटिक्स में, ऐसे व्यक्ति को हम सलाह दे सकते हैं कि आप अगर फाइन आर्ट्स में जाएं, आप अगर ड्रामेटिक्स में जाएं, अगर कॉमेडी जैसे क्षेत्र में ट्राई करें तो आपकी ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। फिलहाल ये व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं है, स्वभावगत ये है, लेकिन मैं कहूँ उसको ये पोटेंशियली, उस पोटेंशियल को अभी किसी और जगह पे एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा, जब कभी भी तीसरे भाव में शुक्र हो तो उसकी इन स्थितियों का विचार करके ही फलित कहें वो ज्यादा अच्छा है। बाकी आपकी क्या राय है, यदि आपके परिवार में किसी की कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र है तो क्या उसका फल इससे मिलता है या नहीं मिलता है, जो भी आपकी राय हो प्लीज बताएं, जिससे कि ये जो डेटा है ये और स्ट्रांग हो, पता लगे कि ये नियम कितने अप्लाई होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अगर पत्रिका देख रहा हूँ और मान लीजिए मैंने आज तक 1500 या 2000 पत्रिकाएं देखी है तो उसमें मैं इनको अप्लाई कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के पास भी अगर अपनी 3-3 4-4 पत्रिकाएं या ज्यादा पत्रिकाएं हैं जिसमें शुक्र तीसरे भाव में है, तो आप भी उस फलित में
सहायता कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये नियम यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ या यहाँ पर अप्लाई हुआ। आशा करता हूँ आप कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव साझा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऐसे और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिन लोगों का ये मत है कि एक ग्रह का विभिन्न भावों में फल बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत इजीली अवेलेबल है, मैं ये कहूँगा मेरा करने का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको वो फल बताऊं जो कि काफी जेनेरिक है, हर एक पर अप्लाई हो जाते हैं। मेरा प्रयास ये है कि जो शास्त्रों में कहीं ऐसी बात लिखी है जो शायद ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, वो आप लोगों के समक्ष रखूं, और क्या पता उसके इस्तेमाल से हम अपने फलित को और ज्यादा सटीक कर सके। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय श्री राम।